अच्छे लगे? एक्शन वगैरह एंजॉय किया आपने? मूवी तो बढ़िया थी। क्या बेस्ट लगा फिल्म में देखते वक्त? सब बढ़िया। एक्शन की काफी तारीफ सुनी जा रही है। एक्शन तो था, काफी अच्छा मूवी है। ऋतिक रोशन कैसे लग रहे फिल्म? बढ़िया। अच्छा ये फाइट है ना एयरफोर्स का, ये टॉपिक फर्स्ट टाइम स्पेशली एरियल एक्शन जिसको बोलते हैं। तो मैं तो पहली बार मैं तो ऐसी मूवी पहली बार देख रहा हूँ। एकदम मस्त थी। लास्ट बढ़िया कैसा लगा आपको? एकदम बढ़िया। क्या लगता है हॉलीवुड को टच कर रहे फिल्म? हाँ बराबर जाएगा ऊपर। मस्त मूवी है एकदम गजब। पाँच में से स्टार क्या रहेंगे आप? हाँ पाँच में से पाँच दूंगा क्योंकि बढ़िया है एकदम। लगे सर क्या एंजॉय किया सबसे ज्यादा फिल्म में? सब कुछ एंजॉय किया। अच्छा ऋतिक रोशन कैसे लग रहे हैं फिल्म फाइटर? नहीं बहुत अच्छी मूवी थी। क्या सबसे ज्यादा एंजॉय किया फिल्म में? एंजॉय मतलब जो पूरा एयरप्लेन का सब बताया, एयरफोर्स के बारे में बताया, मतलब बोलते ना जो हॉलीवुड बनाते हैं उससे तो काफ़ी अच्छी लगी मेरे को मूवी। तो मतलब खाली लास्ट में गाना बताया, ये गाना थोड़ा सा जल्दी बताना चाहिए था। बाकी मूवी हॉलीवुड को टच कर रही है? ऑफकोर्स हॉलीवुड को टच कर रही है। और मेन तो मैं बोलूँ हीरो तो है मगर विलन ने तो खतरनाक काम किया है। इतना मजबूत विलन बताया ना कि मतलब देखने को ही मजा आ गया। क्या बात है। हाँ लोगों को पैसा वसूल हो जाएगा मतलब फिल्म जब देखेंगे तब? हाँ हाँ ऑफकोर्स ये आज आपको क्राउड नहीं दिख रहा है मगर ये आप कल और परसों देखो ये टॉप मारने वाले। अच्छा ऋतिक रोशन उस वर्दी में कैसे लग रहे हैं एयरफोर्स की वर्दी? अमेजिंग अमेजिंग। ऐसा लग रहा है कि अपने भी पहन के बैठ जाना चाहिए। लोग हमने टॉम क्रूज की फिल्मों में ऐसा देखा है, ऋतिक रोशन इंडियन वर्जन में कैसे लग रहे हैं? नहीं नहीं ऋतिक रोशन तो दिखने में तो भाई खतरनाक पहले से ही है और यूनिफॉर्म में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसमें अक्षय कुमार भी होता तो फिर भी अच्छा लगता। यूनिफॉर्म ही इतना ऐसा है ना कि भाई कोई भी अब तुम और मैं भी पहनेगा फिर भी खतरनाक ही दिखेंगे वैसा वाला है। बट अच्छा लगा मूवी और शायद मैं और दो तीन बार तो देखने आऊँगा। क्या बात है। क्या लगता है पठान और इसके पहले भी ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ आनंद का जो कॉम्बो था बैंग बैंग या फिर वॉर या फिर फाइटर, तीनों में से कौन सी बेहतर है सबसे बेस्ट फिल्म बन के आई है? आई थिंक वॉर ज़्यादा अच्छा था, बैंग बैंग भी अच्छा था मगर ये मोर टूवर्ड्स बोलते हैं ना इंडियन जय हिंद वगैरह वो करने के लिए उसके लिए वो सही लगा। अच्छा सबसे ज्यादा ऋतिक रोशन के करियर में वॉर सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर वाली फिल्म रही है, क्या लगता है ये फिल्म उसका रिकॉर्ड? ऑफ कोर्स 100% ओके। व्हाट से फाइनल स्कोर आउट ऑफ 5 सर? आई थिंक 5 आउट ऑफ 5 यार। थैंक यू सर। क्योंकि कुछ अच्छा बनाया है, माइंड ब्लोइंग। क्या बेस्ट लगा फिल्म में, क्या फैसिनेटिंग था फिल्म? एक्चुअली इसमें जो स्टोरी जो है ना वो स्टोरी बेस्ड बहुत ही बेस्ट था जो हमको नहीं मालूम था। हमें केवल न्यूज में दिखाया गया था कि पुलवामा में अभिनंदन सर रुक गए थे और यहाँ पे उसको पूरा दिखा दिया किस तरह से उनके बिहाफ में क्या क्या उन्होंने काम किया था। पर किस तरह रिपीटेटिव कंटेंट लग रहा है कि मतलब हर फिल्म में हम तीसरे पेट्रियोटिज्म फिल्म में हम देखते हैं कि मतलब पाकिस्तान को टारगेट करके फिल्म? नहीं ऐसा कुछ इसमें टारगेट नहीं किया। नहीं फिर अभी ये उस तरह से इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं उस गदर के हिसाब से कुछ नहीं है, ये केवल स्टोरी बेस्ड था जो हमारे साथ घटित हो चुका था और कुछ नहीं। सर क्या कहने लगे ऋतिक रोशन का कैसा? एक्चुअली ऋतिक रोशन और दीपिका मैम को शूट तो देखा जाए उनके ब्याह में कोई और भी रहता ना तो भी मूवी हिट जाती। क्या बात है, लोगों को पसंद आएगी? देख बहुत ही पसंद आएगी। क्या स्कोर देंगे 5 में से सर आपको? मैं 5 ही दूंगा इसको आउट ऑफ 5। थैंक यू। मैं कैसी लगी फिल्म फाइटर? बहुत अच्छी लगी और वार से भी अच्छी है, फिल्म अच्छी लगी है और ऋतिक रोशन और अनिल कपूर का जो बहुत अच्छा है, खास पे आशुतोष राणा जो है फादर का किरदार निभाए हैं दीपिका पादुकोण का, तो बहुत इमोशनल पिक्चर है और काफ़ी अच्छा लगा देख के। उम्मीद है कि पब्लिक इसको देखेगी। और स्टोरी वगैरह फिल्म की कैसी है? स्टोरी बहुत अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट भी अच्छा है इसका और गाने उतने खास नहीं हैं लेकिन है जो कि अच्छा है, तो मूवी अच्छी लगी। लोगों को पसंद आएगी? लोगों की पसंद आएगी लेकिन जितना पठान और जवान आई थी उससे ज़्यादा अच्छी नहीं है। अच्छा क्या कह रहे अभी आपने पठान और जवान का बात कर ही दिया है, इसके पहले ऋतिक रोशन के करियर में वॉर ये जो फिल्म थी सबसे हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस में कमाल करने वाली फिल्म थी, क्या लगता है फाइटर के कुछ चांसेस दिखाई दे रहे जो मतलब उसका रिकॉर्ड बीट कर पाया ऐसा? नहीं नहीं फाइटर उतना नहीं जा पाएगी ये, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्शन ऑप्शन है लेकिन फाइटर के मुकाबले जवान के मुकाबले नहीं हो पाएगी। व्हाट्स योर रेटिंग आउट ऑफ 5? 5 में से कितने स्टार देंगे आप? 5 में से 5।
शुक्रिया। बहुत बढ़िया पिक्चर, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ऋतिक सर, अनिल कपूर सर, अनिल कपूर सर बहुत अच्छी है। मतलब मैं पूरा बॉलीवुड का फैन है। सलमान भाई हाथ से, शाहरुख दिल से, ऋतिक दिमाग से, क्या थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द बॉलीवुड फैंस, ऑल द इंडियन सिनेमास, गो वॉच दिस। इट्स माइंड ब्लोइंग। क्या फिल्म में फैसिनेटिंग था? बेस्ट फिल्म में क्या एक्सपीरियंस करने मिला? इट्स अ बेस्ट फिल्म, यू नो ऋतिक, यू नो एंट्री वाइज पूरा बहुत बढ़िया, बहुत कमाल है। प्लीज वॉच दिस। जय हिंद, जय हिंद। पर्टिकुलर मोमेंट और पर्टिकुलर सीन व्हिच वाज ताली मार, अच्छा मोटिवेशन, यू नो एट द क्लाइमैक्स सीन व्हेन करण सिंह ग्रोवर से, इट्स अ बहुत मोटिवेशन है, द प्राउड मोमेंट फील करते हैं बहुत। आई एम फ्रॉम कन्याकुमारी। थैंक यू सो मच। फाइनल स्कोर आउट ऑफ 10, व्हाट्स योर अपील फॉर द ऑडियंस? वेल, आई वुड, द फाइनल स्कोर इज जस्ट ऑसम, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, एंड आई वुड रेट, एंड आई वुड वांट एवरीवन टू वॉच दिस मूवी एंड मेक इट एज अ बिग ब्लॉकबस्टर।